मेरा ये प्लान है कि तैयार शहर हो गई, यूनिवर्सिटी तो आना है, लेकिन आके बस हम सिंगल लोग जो हैं कपल्स को देख के बस पत्थर ही मार सकते हैं, और तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। यार आप सोने का क्यों बोल रहे हो यार? भाई ये सोने का इसलिए बोल रहे हैं कि इनकी एक बची थी, उन्होंने इनका दबा के हमारा अपना कुछ भी नहीं है, बस कपल्स को देख के जलेंगे। आप जैसे पत्थर रख के बर्दाश्त करेंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू बॉल के साथ ना हूँ आपका मेज़बान कासिम सर। आज एक बार फिर हम आपके लिए मज़ेदार वीडियो लेकर आए हैं। आज हम लोगों से उनकी राय जानेंगे कि वर्ल्ड वैलेंटाइन डे के बारे में क्या कहेंगे और उनका प्लान क्या है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम यहाँ पे आए हुए लोगों की तरफ चलते हैं और उनकी राय जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो आप मुझे ये बता दें कि वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में ये राय है, घर पर बैठ के सुन गया वैलेंटाइन डे मनाया। यार आप सोने का क्यों बोल रहे हो यार? भाई ये सोने का इसलिए बोल रहे हैं कि इनकी एक बची थी, उन्होंने इनका कोई उसने, और उसके बाद से सबको सोने के मशवरे देते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? राजिया। आप मुझे ये बता दें कि वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वैलेंटाइन डे तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सिंगल लोगों के लिए सही नहीं होता है। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई आपका क्या नाम है? अली। तो भाई मुझे ये बता दें कि जो ना फरवरी को वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? भाई बेहुदा मेरे मुताबिक तो हरकत नहीं करना चाहिए ऐसे काम। आप अच्छी बात है, जिस तरह हमारी लाइफ में दूसरे फंक्शन होते हैं, ये भी एक फंक्शन है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन जरूरी बात है ये इनकी अच्छी बात है, गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए। लेकिन ये हो सकता है किसी से अच्छा प्यार, किसी से खलूस से मोहब्बत करना, ये नहीं है कि स्पेशली ये तो ये गर्लफ्रेंड के लिए होता है, सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन ये है कि उसकी इज्जत का हमें पूरा ख्याल रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? रमशा। आप मुझे ये बता दें कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा तो ये ख्याल है कि ये वैसे तो लव्ड वंस के लिए होता है, जो कि फूल वगैरह देते हैं, जो कि ऑल ऑफ माय फेवरेट, लेकिन हम जैसे सिंगल लोगों के लिए ये तो एक शो का दिन होता है, हम तो बस उनको देख के ही जल रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई आपका क्या नाम है? ये जो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या राय है? देखो भाई साहब, ये वैलेंटाइन डे तो पहले हम ये कह सकते हैं कि ये मुसलमान नाते होने के लिए ना, ये हम हमारी ये चीज़ नहीं है, ठीक है, ये मुसलमानों का काम है, ठीक है। और सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि वैलेंटाइन डे को अगर कोई कपल्स एक दूसरे से मिल के जा रहे हैं, ठीक है, तो ये अगर निकाह में ना हो ये लोग, ठीक है, तो फिर ये सरासर गुनाह है। बता दें जितने भी लोग सिंगल हैं, तो उनके लिए आपका तो आप मुझे ये बता दें कि आपका अपना क्या प्लान है? हमारा अपना कुछ भी नहीं है, बस कपल्स को देख के जलेंगे। आप जैसे पत्थर रख के बर्दाश्त करेंगे और अगले कल तक इंतजार करेंगे। वैसे माशाल्लाह आप लोग भी सिंगल हैं, तो जितने भी सिंगल लोग हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे? सिंगल रहें, बस सिंगल रहते हैं तो खुश रहते हैं। आपको क्या मैसेज? यही सिंगल लाइफ एंजॉय करो और मजे करो और कपल्स को देख के चलो। आपको ये पैगाम देना चाहिए सिंगल लोगों के लिए? मेरे मुताबिक ये काम नहीं करना चाहिए, बेहुदा हरकत है। अगर हम हमारी भी बहन से ऐसी हद बात करें या उससे भी ये बात करें, तो हमें अच्छा तो नहीं लगेगा। तो हमें भी चाहिए कि किसी की बहन का बेटी का ख्याल उससे ये बात ना करें। आपका अपना क्या प्लान है 14 फरवरी को? मेरा ये प्लान है कि तैयार शहर हो गई, यूनिवर्सिटी तो आना है, लेकिन आके बस हम सिंगल लोग जो हैं कपल्स को देख के बस पत्थर ही मार सकते हैं, और तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो आप मुझे ये बता दें जितने भी सिंगल लोग हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सिंगल लोगों के लिए मेरा यही मैसेज है कि सिंगल रहो, जितना उतनी खुशी से जिंदगी गुजरेगी, एंजॉय योर लाइफ, ना कि रिलेशनशिप में आके
अपनी जिंदगी को भी बिगाड़ दो। थैंक यू सो मच फॉर टाइम देने। वेलकम। आप मुझे ये बता दें आपका अपना क्या प्लान है? मेरा तो कोई इरादा है ही नहीं, और अगर हो भी जाए तो निकाह हो भी जाए ठीक है, तो फिर भी मैं वैलेंटाइंस को नहीं मतलब बना सकता। सिंगल लोगों के लिए भाई साहब मैं क्या कहूँ, सिंगल लोगों के लिए मैं ये जवाब मैसेज दूंगा कि देखो भाई अगर आप लोगों ने सिंगल ही रहना है ठीक है, तो सिंगल लाइफ बेस्ट होता है ठीक है, बजाय ये कि आप किसी के साथ मतलब किसी रिलेशन में अगर बंदा फट जाए तो वो मेरे ख्याल में बेस्ट नहीं होता, बंदा यार स्ट्रेसफुल माहौल होता है। क्या लगता है आपका ज्यादा एक्सपीरियंस है? नहीं मेरा तो इतना नहीं है, पर बाहर यही चीज। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और हमारी वीडियो में सबसे बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, हम पार्ट टू आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए अपने मेहमान का मतलब बोल के साथ इजाज़त।